हेलो स्टूडेंट्स, आई सोनिया अरोड़ा वेलकम यू ऑल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक हो। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन, इंपॉर्टेंट वाली, राइट। इन ट्रांसलेशन के बिहाफ भी आपके ग्रामर के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो सकते हैं, बिकॉज इनमें ग्रामर के रूल को भी हम साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं, ठीक है। तो चलो, आज का जो पैराग्राफ है वो डॉक्टर की लाइफ के ऊपर है कि किस तरह उनकी लाइफ स्ट्रगल से भरी होती है एंड उनको अपनी ड्यूटी कैसे करनी पड़ती है, तो उसके बारे में ये सारा पैराग्राफ है। इसको एक आप रीडिंग ले लो, देन अपन इसको स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन का। हाँ जी, फर्स्ट सेंटेंस, डॉक्टर वह व्यक्ति होता है जो बीमार लोगों की देखभाल करता है। डॉक्टर एक ऐसा पर्सन था, डॉक्टर इज अ पर्सन, डॉक्टर एक ऐसा इंसान होता है जो बीमार लोगों की देखभाल करता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे रूटीन की बात हो रही हैबिट की बात हो रही है। जब कोई काम हम करते हैं रूटीन में, जब हम कोई काम करते हैं नित्य नेम में, रूटीन में, डेली हमारा टास्क होता है, हमारी ड्यूटी होती है, हमारी हैबिट होती है, तो उसके लिए हमारा कौन सा टेंस यूज करा जाता है? पहला टेंस। कौन सा टेंस? पहला टेंस। पहला टेंस मतलब प्रेजेंट इनडेफिनेट, या फिर बोलो प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करा जाता है, जिसमें कि हम यूज करते हैं फर्स्ट वर्ब। कौन सा वर्ब? फर्स्ट वर्ब यूज करते हैं हम लोग, राइट। सो डॉक्टर वह व्यक्ति होता है, ऐसा इंसान होता है। डॉक्टर इज अ पर्सन, द डॉक्टर इज अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन होता है जो कि इंसानों के लिए क्या यूज करते हैं? हु, और चीजों के लिए क्या यूज करते हैं? विच। हु किसके लिए लगाया जाता है? जो अगर लगाना हो तो मतलब इंसान की बात हो रही है, तो फिर हु लगाएंगे। अगर चीजों के लिए, थिंग्स के लिए बात करेंगे तो यहाँ कौन सी चीज यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं हम लोग? विच। और अगर श्योर ना हो, अगर इंसान की भी बात कर दो और चीजों की भी बात कर दो, फिर आपको एक वर्ड यूज करना होता है दैट। अगर इंसान की भी बात कर रहे हो, किसी चीज की भी बात कर रहे हो, दोनों के लिए कोई एक वर्ड यूज करना हो आपको, ठीक है, तो क्या यूज करते हैं हम लोग? दैट यूज करते हैं, ठीक है। चलो, द डॉक्टर इज अ पर्सन हु, जो करता है, क्या करता है? देखभाल करता है, देखभाल करता है। देखभाल को क्या बोलते हैं? हु लुक्स आफ्टर, हु लुक्स आफ्टर। लुक के साथ जब आफ्टर प्रेपोजिशन मतलब लगती है तो इसका मतलब होता है टेक केयर ऑफ। चाहे तो आप टेक केयर ऑफ भी लिख सकते हो, ठीक है जी, लुक आफ्टर भी लिख सकते हो, बात एक ही है। बट यहाँ पे मैंने एस क्यों लगाया? प्रेजेंट सिंपल टेंस, पहला टेंस, पहली वर्ब। जब हम एक पर्सन की बात करते हैं तो एक पर्सन को कंपनी देने के लिए वर्ब के साथ एस ई एस लगाना पड़ता है हमें, तो लग गया यहाँ पे एस या ई एस, ठीक है। चलो, हु लुक्स आफ्टर, किसकी देखभाल करता है? आफ्टर द सिक पीपल, बीमार लोगों को क्या बोला जाता है? सिक पीपल। हु लुक्स आफ्टर द सिक पीपल, सिक पीपल, राइट। चल नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर बात करेंगे, और दवाई लिखता है, दवाई लिखते हैं जब डॉक्टर, उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज कर रहते हैं। जब डॉक्टर दवाई अपने को लिख के देते हैं स्लिप के ऊपर, पर्ची के ऊपर, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एंड प्रेस्क्राइब्स, प्रेस्क्राइब्स, ठीक है। डॉक्टर की जब पर्ची लिखते हैं, मेडिसिन लिखते हैं, उसको प्रेस्क्रिप्शन बोला जाता है, प्रेस्क्राइब बोला जाता है कि प्रेस्क्राइब्स करते हैं क्या? मेडिसिन, दवाई लिख के देते हैं, मेडिसिन लिख के देते हैं, और दवाई लिखते हैं ताकि, ताकि मतलब सो दैट ताकि मरीज तेजी से ठीक हो जाए। सो दैट द पेशेंट, ठीक होना मतलब द पेशेंट हो जाए मतलब पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो। जब आप फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो, आने वाले टाइम की संभावना की बात कर रहे हो, तो कौन सा मॉडल यूज करते हैं हम लोग? मे मॉडल यूज करते हैं। सो दैट द पेशेंट मे क्या हो जाए? पेशेंट ठीक हो जाए, तेजी से ठीक हो जाए। द पेशेंट मे रिकवर, रिकवर फास्ट, ठीक है, या फिर तेजी से मतलब पेशेंट में रिकवर क्विकली, क्विकली भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है जी, ओके यहाँ पे। चलो नेक्स्ट वन, डॉक्टर बनने के लिए व्यक्ति को मेडिसिन की पढ़ाई करनी पड़ती है, दवाइयों की पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक
ठीक है, जब कोई काम करना पड़ता है हमें, जब कोई काम करना पड़ता है उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, एक पर्टिकुलर मॉडल यूज करा जाता है। कौन सा मॉडल यूज करा जाता है उसके लिए हम हैज टू करना पड़ता है या फिर हैव टू। जब कोई काम हमें करना पड़ता है तो उसके लिए हम मॉडल यूज करते हैं, कौन सा, हैज टू या फिर हैव टू यूज करते हैं, राइट। इनके साथ टू लगाना पड़ेगा। चलो, इन ऑर्डर टू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर बनने के लिए, इन ऑर्डर टू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर, ठीक है, क्लियर। डॉक्टर बनने के लिए व्यक्ति को, अ पर्सन हैज टू, हैज क्यों लगाया, क्योंकि पर्सन एक है, अ पर्सन हैज टू स्टडी, क्या स्टडी करना पड़ता है, किस चीज को उनको पढ़ना पड़ता है, अ पर्सन हैज टू स्टडी मेडिसिन, क्लियर, मेडिसिन। ज्यादा सेंटेंस को अपना कॉम्प्लिकेट मत बनाओ, ये मत सोचना कि मैं इसकी जगह पे कुछ ओखा वर्ड ढूंढ लू, कुछ ऐसा वर्ड ढूंढ लू, अगर नहीं आ रहा माइंड में तो टेक इट इजिली, ऐसे नहीं कि टेंशन लेके बैठ जाओ, सिर पकड़ के बैठ जाओ कि ये मेरे को तो मिल ही नहीं रहा लाइन, उसकी जगह पे रिप्लेस करके कुछ और लाइन यूज कर लो, कुछ और वर्ड यूज कर लो। ये चीज मैं आपको बार बार कहती हूँ, बट लाइन को लीव नहीं करना और मिस अरेंज नहीं कर देना, क्लियर। हाँ, सेट करके रखना है ऑर्डर में, लाइन को, वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में आपका सेट होना चाहिए, और टेंस ठीक होना चाहिए आपका, ठीक है, टेंस बिल्कुल ठीक होना चाहिए। क्या पढ़ना पड़ता है उनको, उनको मेडिसिन की पढ़ाई करनी पड़ती है। चलो, डॉक्टर कठिन जीवन जीते हैं, जीते हैं मतलब उनका रूटीन है, उनकी हैबिट है, और ये फैक्ट भी है। जब हम बात करते हैं फैक्ट की, रूटीन की, हैबिट की, डेली वर्क की, तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, पहला टेंस, पहला टेंस, पहली वर्क, वही वाला रूल है, ठीक है जी। आगे, डॉक्टर कठिन जीवन जीते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, बहुत ही कठिन जीवन का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट लाइफ, या फिर बोल लो टफ लाइफ, बोल लो हार्ड लाइफ, बोल लो, ठीक है। तो डॉक्टर कठिन जीवन जीते हैं, डॉक्टर्स लीड अ हार्ड लाइफ या फिर डिफिकल्ट लाइफ, टफ लाइफ, कैसा भी वर्ड यूज कर लो चल जाएगा। चलो नेक्स्ट वन, उनका जीवन बहुत व्यस्त है, उनका जीवन बहुत, आजकल सभी की लाइफ, जिंदगी व्यस्त है, मतलब बिजी है, हर किसी की लाइफ बहुत ज्यादा बिजी है, तो उनका जीवन क्या है, बहुत व्यस्त है, उनकी जो लाइफ है बहुत ज्यादा बिजी होती है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयर लाइफ इज वेरी बिजी, उनकी जो जिंदगी है बहुत ज्यादा बिजी होती है, क्लियर, ठीक है। वे सुबह जल्दी उठते हैं, वे सुबह जल्दी उठते हैं, उनका रूटीन है, दे वेकअप, वेकअप लिख लो, वेकअप की जगह पे गेटअप लिख लो, एक ही बात है, वेकअप लिख लो चाहे गेटअप लिख लो, अर्ली इन द मॉर्निंग, ये तो हमने बचपन से ही सीखा है, ठीक है, ये तो सेंटेंस इजी है बहुत ज्यादा, बस आपका टेंस ठीक होना चाहिए। चलो, और अस्पताल जाते हैं, एंड गो टू, एंड गो कहाँ जाते हैं, गो टू द हॉस्पिटल, गो टू द हॉस्पिटल, जल्दी उठते हैं और हॉस्पिटल चले जाते हैं। अब एक चीज ध्यान से समझो, जब भी आपको किसी जगह पे जाना है, आप कहीं पे भी जाना चाहते हो, आपका कोई भी डेस्टिनेशन है, आपको मंदिर जाना है, आपको गुरुद्वारा साहिब जाना है, आपको मार्केट जाना है, आपको ऑफिस जाना है, बैंक जाना है, तो उसके लिए आपको टू प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। हॉस्पिटल जाना है, कहीं पे भी जाना है, आपको टू प्रेपोजिशन हमेशा ही लगानी पड़ेगी। बट एक इंपॉर्टेंट रूल सीखते हैं, अगर मैं बोलूं और अस्पताल जाते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं अस्पताल की जगह पे घर जाते हैं, घर जाते हैं, तो फिर आप क्या लगाएंगे, दे गो टू होम, वो घर जाते हैं, वह घर जाते हैं, इसका लाइन क्या बना, दे गो टू होम, बिल्कुल गलत सेंटेंस। देखो, आपको कहीं पे भी जाना है, कहीं पे भी, जो भी आपका डेस्टिनेशन है, उसके लिए आपको टू प्रेपोजिशन हमेशा लगानी पड़ेगी। कौन सी प्रेपोजिशन, टू प्रेपोजिशन हमेशा लगानी पड़ेगी। बट वेन एवर यू वॉन्ट टू गो होम, वेन एवर यू वॉन्ट टू गो योर होम, आप घर जाना चाहते हो, तो उसके लिए ये टू प्रेपोजिशन जो आप बोलते हैं ना, वेन एवर यू वॉन्ट टू गो टू होम, गलत है, ठीक है जी। तो होम के पहले आपको टू प्रेपोजिशन नहीं लगाना, तो आंसर क्या आएगा, दे गो होम, दे गो होम, राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन,
वे बिना ब्रेक लिए काम करते हैं, वे बिना ब्रेक लिए कोई भी ब्रेक नहीं लेते हैं, छुट्टी नहीं लेते हैं, तो क्या बनेगा? दे वर्क। सारा प्रेजेंट सिंपल में चल रहा है, पहली वर्ब में चल रहा है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है? दे वर्क बिना ब्रेक लिए, वे क्या करते हैं? काम करते हैं। काम करने के लिए वर्क लिखा, किसके? बिना ब्रेक लिए। दे वर्क विदाउट, बिना, विदाउट टेकिंग अ ब्रेक। अब एक रूल और समझ लो ग्रामर का, इम्पोर्टेंट वाला रूल समझ लो। अगर आपके सेंटेंस में विदाउट वर्ड दिख गया, अगर आपके सेंटेंस में विद, विदाउट, आफ्टर, बिफोर, ये वाले वर्ड्स दिख गए, तो इनके बाद वर्ब आपको कौन सा देना है? वर्ब आईएनजी देना है, वर्ब आईएनजी देना है। क्लियर? ठीक है जी, चलो। वे हमेशा विनम्र रहते हैं। विनम्र का मतलब क्या होता है? पोलाइट रहते हैं, ताकि मरीज उनके साथ सहज महसूस करें, मतलब कंफर्टेबल फील करें। पहले इसको छोटा सा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया करो, सो दैट कि आपको लाइन बनाना इजी हो जाए, ठीक है? वे हमेशा विनम्र रहते हैं, मतलब क्या है? दे आर ऑलवेज पोलाइट, ठीक है? दे आर ऑलवेज पोलाइट रहते हैं। दे रिमेन, रिमेन लिख लो या स्टे लिख लो, ठीक है? दे ऑलवेज, सॉरी, दे हमेशा, दे ऑलवेज रिमेन पोलाइट, सो दैट ताकि मरीज उनके साथ सहज महसूस करे, सो दैट द पेशेंट्स, मे फील कंफर्टेबल विद देम, उनके साथ कंफर्टेबल फील करे, राइट? ठीक है, चले, ओके, चलो। डॉक्टर इतनी मेहनत करते हैं कि हमें उनकी कीमत का एहसास होना चाहिए, हमें उनकी जो जो उनकी एफर्ट्स हैं उसकी हमें वैल्यू देनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए भी वो कितनी एफर्ट करते हैं, कितनी स्ट्रगल करते हैं अपनी पूरी जिंदगी, ठीक है? डॉक्टर इतनी मेहनत करते हैं, दे ऑलवेज बोल सकते हैं कि बहुत सारी मेहनत करते हैं, डॉक्टर्स वर्क सो हार्ड, तो क्या बोलेंगे? इतनी मेहनत करते हैं, डॉक्टर्स वर्क सो हार्ड, डॉक्टर्स वर्क सो हार्ड, इतनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और डॉक्टर्स इतनी मेहनत करते हैं कि हमें, डॉक्टर्स वर्क सो हार्ड, क्लियर? इतनी मेहनत करते हैं कि हमें, सो हार्ड दैट वी मस्ट, हमें क्या होना चाहिए? उनकी कीमत का एहसास होना चाहिए, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है। जब हम अपनी ड्यूटी की बात करते हैं कि हमारी मॉरल ड्यूटी है, नैतिक सिद्धांत है हमारा, तो हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं? मस्ट यूज करते हैं कि हमें अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए, तो मस्ट लगाएंगे। जो सोल्जर्स होते हैं उनको ब्रेवरी के साथ लड़ना चाहिए, तो मस्ट लगाएंगे। हमें अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, तो मस्ट लगाओ। जो हमारी ड्यूटी बनती है हमारी, ठीक है, उसके लिए मस्ट लगा देते हैं, ठीक है? वर्क हार्ड दैट वी मस्ट रियलाइज देयर वैल्यू, हमें उनकी कीमत का एहसास होना चाहिए, राइट? तो ये था हमारा पैराग्राफ जो सॉल्व करा हमने, साथ साथ हमने कुछ ग्रामर के रूल्स भी सीखे हैं। तो इनकी हेल्प से आप अपना जो पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन का कंसेप्ट है वो भी अच्छे से आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है? जो भी आपको बीच बीच में ग्रामर के रूल्स बताए हैं वो भी एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं, तो उसके ऊपर होल्ड बनाओ, अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करो, जो सिनोनिम एंटोनिम। अब मैं अच्छे से एक चीज बता दूं आपको, आपके एग्जाम में जो सिनोनिम एंटोनिम्स आने हैं ना भाई, वो अच्छे से पढ़ लो। और हम हमारे बैच में वही चीजें पढ़ा रहे हैं जो इंग्लिश में आपको रुकने नहीं देगा, जिसकी वजह से इंग्लिश में आपका
एग्जाम नहीं रुकेगा। हम क्या कर रहे हैं, हमारे इस बैच में अगर आप डेली के 3 से 4 घंटे बढ़िया दे सकते हो तो आप ये टेंशन फ्री हो जाओ कि इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाओगे। इंग्लिश में स्कोर कर सकते हो, 100% कर सकते हो। एक हफ्ता भी बहुत अच्छे से पढ़ लो, वो चीजें पढ़ लो जो आनी आनी है। अभी पीछे हाई कोर्ट का जो भी एग्जाम हुआ है उसमें कितना अच्छा स्कोर करा है, इंग्लिश का बहुत अच्छा फीडबैक गया है कि जो पढ़ाया वही आया। क्योंकि हम सारी की सारी वोकैब क्लासेस, सिनोनिम एंटोनिम की क्लास होती है, वो सारी शॉर्टकट के साथ देते हैं। छोटी छोटी क्लासेस होती है, 10-15 मिनट की एक क्लास होती है, और हम कहते हैं अगर ये वोकैब की सारी क्लासेस कर गए ना आप, ठीक है, 1 घंटे में आपकी 4 क्लासेस खत्म हो सकती है, 4 क्लासेस आराम से, ठीक है। तो आप एक हफ्ते में कितनी क्लासेस लगा सकते हो सोच के देख लो, आप 7 दिन में आप कितनी क्लासेस लगा के जा सकते हो। तो वो कैब आती है 10 से 11 नंबर की, 10 से 11 मार्क्स का आएगा। तो यहीं से आपके 8 से 9 नंबर सिनोनिम एंटोनिम इडियम वन वर्ड जो भी है वो वहीं से कवर हो जाएंगे आपके 8 से 9 नंबर। 8 से 9 आपकी हिम्मत है कि आप ले सकते हो। मैं कहती हूँ जो पढ़ा दिया उसमें से आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद जो ग्रामर के एमसीक्यूज हैं, जो ग्रामर के एमसीक्यूज हैं, ठीक है, उसमें से वो चीजें पढ़ो जो आनी आनी पेपर में, अनइम्पोर्टेंट कुछ मत पढ़ो। मैं कहती हूँ कि जो चीज आनी है वो सबसे पहले बताऊंगी आपको कि ये पढ़ के जाओ, वो आएगा ही आएगा। तो इसके जो अराउंड रहते हैं 9 से 10 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं, उसमें से हम कोशिश करेंगे कि 6 से 7 आपका स्कोर हो जाए इतने कम से कम टाइम में। क्यों, वो चीजें पढ़ लो जो आनी आनी। उसके बाद जो ये ट्रांसलेशन होगी, पैराग्राफ होगी, लेटर होगी, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट वाली पढ़ के जाओ। जो हम नोट्स दे रहे हैं अपने बैच के अंदर, जो हम नोट्स दे रहे हैं उन्हीं को पढ़ लो, उनमें से आपके एसे आ जाएगा, उन्हीं में से आपकी लेटर आ जाएगी, ये चीज की श्योरिटी है, राइट। तो अगर आपको लगता है अभी भी आप वक्त दे सकते हो, अभी आप दिन के 3, 4, 5 घंटे डेडिकेशन के साथ आप पढ़ सकते हो, तो आपको क्या करना है, आपको एक तो सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। वहां पे हिंदी वाला बैच है हमारा, कौन सा, 390 वैकेंसी वाला, कौन सा, 390 वैकेंसीज वाला हिंदी वाला बैच है जो इस एग्जाम के लिए स्पेशल है, 390 वैकेंसीज वाला। राइट, ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, कुछ भी नहीं ना समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये वाला नंबर नोट डाउन कर लो। इस नंबर पे हेलो मैम लिख दो, 7504466660, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लो, इस नंबर पे कॉल कर लो। कि किस तरीके से आप अभी भी क्या इंग्लिश में ऐसे तो नहीं सोच रहे हो कि चल देखी जाएगी, क्यों रिग्रेट करना, क्यों पछतावा करना है बाद में, जब पेपर में बैठोगे तो लगता था कि कुछ पढ़ के आता तो शायद 10, 12, 15 नंबर बढ़िया और स्कोर कर जाता। और एक चीज और है, जो वाला बैच है इसके ऊपर ऑफ लगा हुआ है, वैसे तो इसका प्राइस कितना है, 799, चिल्ड्रन डे का ऑफ लगा है, आज का दिन ये ऑफर रहेगा, और इसके ऊपर 25% ऑफ है, कितना, 25% ऑफ है इसके ऊपर बैच, 25%। अब आप चेक कर लो कितने का पड़ गया आपको, आपको ये वाला बैच 599 में मिल जाएगा। और बाकी भी अगर जो भी आपको एग्जाम्स देने, आने वाले कोई भी एग्जाम्स देने हैं, उसके लिए ये पूरे का पूरा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये बैच चलता रहेगा, 6 महीने की इसकी वैलिडिटी है, 6 मंथ्स की। और भी आपने कोई एग्जाम देने हैं तो आपको ग्रामर और वोकैब देखने के लिए कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा तो लिटरली इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।